पिछले एपिसोड में आपने देखा कि आश माइक को एक 6-on-6 बैटल में डिफीट कर टॉप 4 में चले जाता है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए आश को एक पार्टी में इनवाइट किया जाता है। वहां पर उसको एक ऐसा ट्रेनर देखने को मिलता है जो कि टॉप 4 में था। इसके बाद आश अपने चार्जार्ड को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसी फॉरेस्ट में छोड़ता है जहां पर उसने ग्रेंजा को छोड़ा था। वापस आने के बाद आश को चेयरमैन ये भी बताता है कि टॉप 4 में तुम सिर्फ और सिर्फ नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स का यूज कर सकते हो, लेजेंडरी और मिथिकल अलाउड नहीं है। अब आगे ऐश काफी गहरी सोच में पड़ जाता है कि टॉप 4 बैटल्स के लिए उसके टॉप 6 की टीम कौन सी होगी, वो कौन से 6 पोकेमॉन्स का यूज करेगा। इसमें 3 पोकेमॉन तो कंफर्म थे जो कि थे चार्जार्ड, ग्रेंजा और पिकाचू, जो कि ऐश की अल्टीमेट टीम में भी थे। ऐश काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और ब्रॉक ऐश को देखकर पूछता है कि तुम क्या सोच रहे हो। ऐश बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि टॉप 4 के बैटल्स के लिए मेरे बाकी बचे 3 पोकेमॉन कौन से होने चाहिए, क्योंकि मेरे पास काफी सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स है। ब्रॉक बोलता है कि क्यों ना ये तुम अपने पोकेमॉन्स को डिसाइड करने दो। ऐश बोलता है वो कैसे। ब्रॉक बोलता है कि तुम अपने सारे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को यहाँ पर बुला लो, फिर एक एक करके सारे पोकेमॉन की बैटल करवाओ और एक एक करके सबको एलिमिनेट करते जाओ। लास्ट में जो 3 पोकेमॉन सबसे अच्छा परफॉर्म करेंगे या फिर अनडिफीटेड रहेंगे उनको अपने टीम में तुम रख लेना। ऐश को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐश अपने कुछ ऐसे नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स को बुला लेता है जो कि उसको स्ट्रॉन्ग लगते हैं। कैंटो रीजन से ऐश बुलाता है पिजॉट, स्नोरलैक्स और किंगलर को। वहीं पर जोटो रीजन से ऐश बुलाता है हेराक्रॉस, टाइफ्लोजन, नॉकटॉल, फेरालिगेटर और मैगानियम को। वहीं पर होइन से ऐश बुलाता है स्वेलो, सेप्टाइल, ग्लेली को। सिनो से ऐश अपने पूरे सिनो टीम यानी कि स्टारेप्टर, टॉटरा, इन्फर्ने, ब्यूजेल, ग्लाइस्कोर और गार्चॉम को बुला लेता है। यूनोवर्स से ऐश अपने 2 पोकेमॉन्स को बुलाता है जो कि थे पिगनाइट और क्रोकोडाइल। कैलोस से ऐश अपने नॉइवन, हवलूचा और टैलनफ्लेम को बुलाता है। वहीं पर अब बारी थी अलोला रीजन की, जहां से ऐश अपनी पूरी टीम को बुला लेता है यानी कि मेलमेटल, नागानाडेल, इंसिनरोर, लाइकेनरॉक और राउलेट को। और फाइनली गला रीजन से भी ऐश अपनी पूरी टीम को बुलाता है जो कि थे ड्रैगनाइट, ड्रैकोविश, गेंगार, लुकारियो और सर्फे। अपने सारे पोकेमॉन्स को वो सब कुछ समझा देता है कि एक टूर्नामेंट होने वाला है। इस टूर्नामेंट में जो टॉप 3 पोकेमॉन्स होंगे उनको मौका मिलेगा पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में मेरे बाकी 3 पोकेमॉन्स बनने का बैटल करने के लिए। ये सुनकर ऐश के सारे पोकेमॉन्स काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने काफी टाइम से ऐश के साथ बैटल नहीं करी थी और वो ऐश को बैटल में परफॉर्मेंस देकर खुश करना चाहते थे, बट उनको चांस नहीं मिल रहा था। अब ये उनके लिए काफी अच्छा चांस था। सब बिल्कुल फायर्ड अप होते हैं और किसी भी हालत में उनको सारी बैटल जीतना था जिससे वो ऐश के टीम में जगह बना पाए। इस टूर्नामेंट का रेफरी ब्रॉक होने वाला था। फर्स्ट राउंड होता है स्नोरलैक्स और पिजॉट के बीच में, जहां पर स्नोरलैक्स काफी ज्यादा इजीली जीत जाता है। सेकंड राउंड होता है किंगलर और हेराक्रॉस के बीच में। ये बैटल काफी इंटेंस होती है, दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट देते हैं, पर लास्ट में हेराक्रॉस इस बैटल को जीत जाता है। नेक्स्ट बैटल होती है फेरालिगेटर और टाइफ्लोजन के बीच में। ये बैटल भी काफी इंटेंस होती है, बट फेरालिगेटर को टाइप एडवांटेज था जिसके चलते वो इस बैटल को जीत जाता है। अगली बैटल होती है मैगानियम और नॉकटॉल के बीच में, जहां पर नॉकटॉल सरप्राइजिंगली बैटल को जीत जाता है। अगली बैटल होती है सेप्टाइल और स्वेलो के बीच में। यहां पर स्वेलो के पास टाइप एडवांटेज था, बट फिर भी एक काफी इंटेंस बैटल के बाद सेप्टाइल जीत जाता है। अगली बैटल होती है ग्लेली और इन्फर्नेव के बीच में। यहां पर ग्लेली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट फिर भी इन्फर्नेव उसको ब्लेज एबिलिटी में जाने के बाद डिफीट कर देता है। अब स्टारेप्टर और टॉटरा आमने सामने होते हैं। यहां पर स्टारेप्टर इस बैटल को काफी ज्यादा इजीली जीत जाता है। इसके बाद बैटल होती है ग्लाइस्कोर और ब्यूजेल के बीच में। इस बैटल को ग्लाइस्कोर जीत जाता है। अब गार्चॉम और क्रोकोडाइल के बीच में बैटल होती है। ये बैटल काफी ज्यादा इंटेंस थी और इसमें गार्चॉम जीत जाता है। अनफॉर्चुनेटली क्रोकोडाइल काफी ज्यादा जल्दी इस टूर्नामेंट से बाहर हो गया था। अब नेक्स्ट बैटल होती है ऐश के दो कैलोस पोकेमॉन हवलूचा और नॉइवन के बीच में। दोनों ही काफी ज्यादा अच्छे फ्रेंड्स थे, बट एंड में हवलूचा इस बैटल को जीत जाता है। अब आमने सामने होते हैं ऐश के टैलनफ्लेम और राउलेट। यहां पर टैलनफ्लेम को क्लियर एडवांटेज था, बट इसके बाद भी राउलेट किसी तरह से टैलनफ्लेम को डिफीट करके अगले राउंड में प्रोसीड कर जाता है। अब बैटल होती है लाइकेनरॉक और इंसिनरोर के बीच में। ये दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स थे, एंड एंड में इस बैटल को लाइकेनरॉक जीत जाता है। अब एक बैटल जिसके लिए सब लोग काफी ज्यादा वेट कर रहे थे वो थी नागानाडेल और मेलमेटल के बीच में, एक अल्ट्रा बीस्ट और एक मिथिकल पोकेमॉन। नागानाडेल यहां पर काफी अच्छी टक्कर देता है, पर एंड में मेलमेटल इस बैटल को जीत जाता है। अब बारी आती है आज के पोकेमॉन जर्नीस पोकेमॉन की। सबसे पहले ड्रैगनाइट और सरफेस बैटल करते हैं, जहां पर सरफेस ड्रैगनाइट को काफी अच्छी टक्कर देता है, पर ड्रैगनाइट इस बैटल को जीत जाता है। अब बैटल होती है गेंगार और ड्रैकोविश के बीच में। दोनों ही पोकेमॉन्स काफी स्ट्रॉन्ग थे, बट इस बैटल को गेंगार जीतता है। अब आखिर में लुकारियो बच जाता है। उसके लिए कोई भी अपोनेंट नहीं था, बट लुकारियो काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है जिसके चलते ऐश डायरेक्टली लुकारियो को सेकंड राउंड में प्रमोट कर देता है। अब टोटल 16 पोकेमॉन्स बचे हुए थे जो कि थे स्नोरलैक्स, हेराक्रॉस, फेरालिगेटर, नॉकटाउल, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, स्टारेप्टर, गार्चॉम, ग्लाइस्कोर, हवलूचा, राउलेट, लाइकेनरॉक, मेलमेटल, गेंगार, ड्रैगनाइट और लुकारियो। इनमें से ऐश को 4 पोकेमॉन्स को एलिमिनेट करना था। परफॉर्मेंस के बेसिस पर ऐश और ब्रॉक काफी ज्यादा सोचते हैं और वो लोग लास्ट में 4 पोकेमॉन्स को एलिमिनेट कर देते हैं, जो कि होते हैं हवलूचा, ग्लाइस्कोर, नॉकटाउल और स्टारेप्टर। इनके एलिमिनेट होने के बाद अब टोटल 12 पोकेमॉन्स बचे हुए थे। ये 12 पोकेमॉन
एक दूसरे से बैटल करेंगे, जहां पर एक पोकेमोन एलिमिनेट होगा और एक पोकेमोन नेक्स्ट राउंड में प्रोसीड करेगा और लास्ट में 6 पोकेमोन बचे रहेंगे और उनमें भी 1v1 की बैटल होगी। जो इन बैटल को जीत जाता है वो फाइनली ऐश की टीम में आ जाएंगे। हेराक्रॉस एक बग और फाइटिंग टाइप पोकेमोन है, जिसके चलते उसको एक एडवांटेज था, बट स्नोरलैक्स एक काफी बल्की पोकेमोन है, उसको डैमेज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था और लास्ट में वो हेराक्रॉस को डिफीट कर देता है। यानी कि स्नोरलैक्स अब टॉप 6 में आ चुका था। नेक्स्ट बैटल होगी फेरालीगेटर और सेप्टाइल के बीच में। यहाँ पर सेप्टाइल बिना किसी एफर्ट के फेरालीगेटर को डिफीट कर देता है। अब अगली बैटल थी इन्फर्नेप और गार्चॉम्प में। अब ये बैटल सच में काफी इंटरेस्टिंग होने वाली थी। बैटल स्टार्ट होती है एंड किसी ने भी नहीं सोचा था कि गार्चॉम्प इन्फर्नेप को डोमिनेट करेगा, बट गार्चॉम्प अपने ग्राउंड टाइप मूव का यूज करके इन्फर्नेप को काफी वीक करते जा रहा था और इन्फर्नेप के पास कोई भी मौका नहीं लग रहा था। ब्रॉक बोलता है कि मैंने तो सोचा था कि इन्फर्नेप टॉप 3 में जरूर आएगा, बट अब ऐसा नहीं लग रहा है। गार्चॉम्प इन्फर्नेप को काफी ज्यादा वीक कर देता है, बट इन्फर्नेप अब ब्लेज एबिलिटी में आ जाता है एंड अब वो बिल्कुल अनस्टॉपेबल हो गया था। बट गार्चॉम्प भी कम नहीं था, वो अपना बेस्ट देता है और इन्फर्नेप को काफी अच्छी टक्कर देता है। पर फाइनली एक मार्क पंच का यूज करके इन्फर्नेप गार्चॉम्प को एक काफी ज्यादा ऑसम बैटल में डिफीट कर देता है, जिससे गार्चॉम्प एलिमिनेट हो जाता है और इन्फर्नेप टॉप 6 में अपनी जगह बना लेता है। अब अगली बैटल थी राउलेट और लाइकनरॉक के बीच में। यहाँ पर सरप्राइजिंगली राउलेट लाइकनरॉक को डिफीट कर देता है, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा था, और टॉप 6 में चला जाता है। अब बैटल होती है मेलमेटल और गेंगार के बीच में। ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होती है। इस बैटल को और भी ज्यादा फेयर बनाने के लिए ऐश ने फेनोमेना भी अलाउड किए थे, जिसके चलते गेंगार और मेलमेटल दोनों ही जायगेंटामैक्स होते हैं और एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। पर आखिर में गेंगार इस बैटल को जीत जाता है, जिससे मेलमेटल एलिमिनेट हो जाता है और गेंगार टॉप 6 में चला जाता है। अब आखिरी बैटल थी ड्रैगनाइट और लुकारियो के बीच में। दोनों ही सुपर स्ट्रॉन्ग ऐश के पोकेमोन जर्नीस पोकेमोन थे। दोनों ही पूरी तरह से गियर्ड अप होते हैं, इसमें फेनोमेना भी अलाउड थे, जिसके चलते लुकारियो मेगा इवॉल्व हो जाता है। वहीं पर ड्रैगनाइट डायनामैक्स फेनोमेना का यूज करता है। दोनों ही पोकेमोन के बीच में काफी ज्यादा अच्छी फाइट होती है। दोनों ही अपने बेस्ट मूव का यूज करते हैं और कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था, पर आखिर में लुकारियो इस बैटल को जीत जाता है। ड्रैगनाइट काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड होता है, बट ऐश अपने ड्रैगनाइट को मोटिवेट करता है कि तुमने काफी अच्छी बैटल करी। अब ऐश को फाइनली उसके टॉप 6 पोकेमोन मिल गए थे, जो कि थे स्नोरलैक्स, सेप्टाइल, इन्फर्नेप, राउलेट, गेंगार और लुकारियो। अब इनके बीच में 1v1 की फाइट होने वाली थी। सबसे पहली बैटल थी स्नोरलैक्स और सेप्टाइल के बीच में, सेकंड बैटल थी इन्फर्नेप और राउलेट के बीच में, वहीं पर थर्ड बैटल थी गेंगार और लुकारियो के बीच में। सारे पोकेमोन बिल्कुल रेडी होते हैं बैटल करने के लिए, पर तभी ऐश बोलता है कि आज के लिए बस इतना ही, अब खाना खाने का टाइम हो गया है, अब हम बाकी की बैटल कल करेंगे, तब तक के लिए तुम सब रेस्ट कर सकते हो।